Hello friends, so today is today our topic is dimension analysis. Okay, so dimension analysis होता क्या है और इसको किस तरीके से solve करते हैं, किस तरीके से question पूछे जाते हैं और actual में topic क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? So सबसे पहली बात dimension analysis है क्या? तो physics में बहुत सी quantities हैं जिसको relation में हमें define करना पड़ता है कि एक quantity का दूसरे quantity से relation क्या है, ठीक है? अब वो रिलेशन जो होता है उसकी जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो आती है उस पे डायमेंशन एनालिसिस डील करता है। जैसे मान के चलो क्वांटिटी है क्या, सबसे पहली बात व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी है क्या? अगर उसको साफ भाषा में समझा जाए तो क्वांटिटी इज एनीथिंग व्हिच इज मेजरेबल, जिसको नाप सकते हैं वो एक क्वांटिटी है। जैसे मान के चलो कि आपने 800 मीटर की रेस करी तो एक इसका मैग्नीट्यूड है, राइट? और इसके पास एक यूनिट है तो इसको आप मेजर कर सकते हो, सो इट इज अ क्वांटिटी। ओके, जैसे हमने बोला एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है या मेरी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है, तो कितनी दोस्ती है, कितनी अच्छी दोस्ती है इसको आप ना सकते हो क्या? नहीं ना सकते ना, सो दिस इज नॉट क्वांटिटी। ओके, तो ये कोई क्वांटिटी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी चीज को भी आप अगर नाप सकते हो तो वो एक क्वांटिटी है, जिसको आप नाम दे सकते हो वो क्वांटिटी नहीं है, ठीक है? तो क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी आप समझते हो क्या होता है? अब हमारे फिजिक्स के अंदर ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस जो चैप्टर है ये हमारा क्वांटिटीज के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है उनका बेस क्वांटिटी लेकर के। तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास? तो क्वांटिटी की दो कैटेगरी है हमारे पास। एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? ओके, दूसरी तरफ आता है हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी आती है? डायरेक्ट क्वांटिटी, राइट? ठीक है, चलिए बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो बिल्कुल ही बेस है। तो मान के चलो जैसे मैंने अपने घर से एक स्कूल तक दूरी तय की, तो वो दूरी क्या है? एक लंबाई तय की, क्या मैंने लेंथ तय की, तो हम कह सकते हैं कि एक लेंथ जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, और साथ में इसकी यूनिट लिखवा देता हूं, अगर यूनिट आप लिखना चाहो तो आप लिख लो इसकी यूनिट, राइट? ठीक है, तो हमने सोचा कि यार कोई दूसरी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं खाली यूनिक जो, तो हमने देखा और हमने पता लगाया कि किसी भी काम को करने में कुछ समय लगता है, तो हमने बोला कि भाई टाइम है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमने इसको टाइम लिख दिया। टाइम, अच्छा लेंथ की यूनिट क्या है हमारे पास? हम इसको मीटर में नापते हैं, ऐसे में जो होती है टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड में नापते हैं, राइट? फिर हमने देखा और कोई क्वांटिटी है, तो भाई साइंटिस्ट लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ है और तो क्वांटिटी है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो रूम है वो उस रूम से इतना ज्यादा गर्म है, राइट? तो ये जो गर्म है या ठंडा है ये टेम्परेचर की बात होगी हमारे पास, तो हमने टेम्परेचर हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी होती है, तो हमने आप लिख दिया टेम्परेचर हमारे पास है, तो लिखा टेम्परेचर भी है भैया, इसको हम कैल्विन में नापते हैं, इसमें कैल्विन में, राइट? फिर हमने सोचा और भी कुछ है क्या, तो निकल कर गया है क्या करंट ही है हमारे पास, ठीक है, तो हमने लिखा है करंट है, इसको हम एम्पियर में नापते हैं, ठीक है, और भी कुछ है, तो हमने कहा भी मास है हमारे पास, इसको हम किलोग्राम में नापते हैं, किसमें नापते हैं? किलोग्राम में, राइट? तो हमने कहा और भी कुछ है क्या, तो हमने कहा भाई है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल में नापते हैं, सबने केमिस्ट्री पढ़ा होगा अच्छे से, व्हाट इज मोल, ओके। सेवेंथ हमने कहा कि और भी कुछ है क्या, तो हमने कहा भाई और कुछ है, एक एंगल नाम की चीज आती है, राइट? अब एंगल के अंदर दो कैटेगरी है, एक आपका आता है आपका एक प्लेन एंगल, राइट? दूसरा आता है आपके पास सॉलिड एंगल, ठीक है? तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और जो स्पीड होती है वो होती है स्टे रेडियन, ओके। तो एंगल दो तरीके के होते हैं, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब जो एंगल बन रहा है वो एक ही प्लेन में बन रहा है, मतलब एक ही सरफेस के प्लेन पे बन रहा है, राइट? चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे इस अच्छे तरीके से, पहले हमारा जो प्रॉब्लम है डायमेंशन को समझना, ओके। तो ये हमने
निकालिए सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे पास है सामने आपके, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। अब ये ड्राइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके बनती है। जैसे इसको मैं लिखना चाहूंगा, अगर किसी भी क्वांटिटी में क्वांटिटी के अंदर एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी हो तो वो ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। तो वो ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। ओके, तो ये ड्राइव क्वांटिटी है। अब इसका उदाहरण डाल लेते हैं। सो एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे हम इसको नंबरिंग से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने लिखा स्पीड, क्या भैया स्पीड? तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है? कोई लेंथ है, राइट? लेंथ तो होता है डिस्टेंस। तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम देख रहे हैं कि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें लेंथ भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, तो हमने इसको नाम क्या दिया? ड्राइव क्वांटिटी, राइट। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए इसका, जैसे हमारे पास है एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो हमने कहा डेल्टा वी अपॉन टी। तो वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है और टाइम भी सेकंड में होता है। तो हम यहां पे देख पाते हैं कि हमारे पास जो फाइनल यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो मीटर एक डिस्टेंस, लेंथ आ गया इसके अंदर और टाइम भी इसके अंदर आ गया। तो ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है हमारे पास। ओके, फिर हमने कहा प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर? इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, तो फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास है। अब फोर्स खुद में एक ड्राइव क्वांटिटी है। फोर्स कैसे ड्राइव क्वांटिटी है, इसको हम जान लेते हैं यहां पे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने इसको सीखा था। तो मास, ये मास कहेंगे इसको हम, राइट, इसको मीटर में समझिएगा। तो मास इन एक्सेलरेशन, मास एक खुद में यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि ड्राइव क्वांटिटी है। तो ड्राइव क्वांटिटी में एक और क्वांटिटी हमने मिक्स कर दी तो भी वो ड्राइव क्वांटिटी रहेगी। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, राइट। तो ये बहुत इजी है, हमने इसके और एग्जांपल्स निकाले। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? तो हमने बोला भाई डेंसिटी भी है, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चलिए, तो इसके बाद बहुत लिमिट तो है इसकी, खैर फिर भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए इसमें देखते हैं हम इसकी यूनिट को इस तरीके से लिखते हैं और इनकी यूनिट को इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें जो यूनिट है वो यूनिक है और वो फंडामेंटली है सिर्फ, और यहाँ पे यूनिट्स का मिक्सचर है, एक से ज्यादा यूनिट कंटेन हो रही है किसी भी क्वांटिटी में। ओके, तो अब इसको टारगेट कैसे करेंगे? अगर डायमेंशन का खेल क्या है, डायमेंशन क्या करना, देखो सबसे पहली बात, डायमेंशन का एक रोल है वो जो क्वांटिटीज है आपकी, मान लो कोई क्वांटिटी है इसको बेस क्वांटिटी में डिफाइन करता है। कैसे? सबसे पहले यूनिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो यूनिट है क्या, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो आपके सामने व्हाट इज यूनिट, देखिए मान लो आपके पास कोई लेंथ है, ये आपके पास लेंथ है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है, और मान लो अगर मैं गांव में रहने वाला हूं तो गांव के लोग पहले क्या कहते थे कि मान लो कोई कपड़ा सिलवाने आना कहीं पर, तो कहेंगे भाई दो हाथ कपड़ा सिल दे, ठीक है। तो दो हाथ कपड़ा सिल दे, ठीक है। अब मान लो कि वो किसी भी कारण विदेश चला गया, फॉरेन में चला गया, और वहां पे वो लोग हाथ का कपड़ा समझते ही नहीं है, उनको समझ में आता है कि भाई इंग्लिश क्या है। तो वहां पे वो गया, उसने बोला भाई दो हाथ कपड़ा सिल दे, तो उसने क्या बोला कि भाई ये दो हाथ क्या होता है, किसके हाथ से सिलू मैं, अपने हाथ से तुम्हारे हाथ से, मेरा हाथ छोटा है तुम्हारा हाथ बड़ा है, राइट। तो इसमें एरर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, जब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हमारा बढ़ गया, जिस तरीके से ट्रेड बढ़ा, जिस तरीके से यातायात बढ़ा हमारा, तो वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने लगी थी।
इस चैप्टर में हमने एक यूनिट का निर्माण किया, और यूनिट जो हर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उसको यूज कराया जाएगा वो है क्या? देखिए, मान लो एक लेंथ है, राइट। यूनिट इस तरीके से है कि यहां से लेकर के यहां तक हमने क्या दिया कि भैया ये 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर, ओके। तो यहां तक इस पूरी लेंथ में ये कितने टाइम्स आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो हमने इसको नाम दिया 6 मीटर है ये, राइट। 1 मीटर कितना होता है? इतना होता है। सो दिस इज यूनिट, दिस इज यूनिट एंड दिस इज मैग्नीट्यूड, राइट। इस तरीके से काम होता है किसी भी यूनिट का। और क्वांटिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं? सो एनी क्वांटिटी इज रिटन लाइक दिस, क्वांटिटी इक्वल्स टू एन यू। तो ये एन क्या है? मैग्नीट्यूड, और यू क्या है? ये यूनिट, राइट। अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लू, मान लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लू, तो मेरे पास ये N1U1 है, तो मैं इसको N2U2 में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। मैं चाहूं तो उसको 6 मीटर को मिल सकता हूं 600 सेंटीमीटर। तो क्या ये स्केल बड़ा हो गया? बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ, तो क्वांटिटी तो उतनी ही रही। मैं चाहूं तो उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूं, मेकिंग श्योर दैट द क्वांटिटी इज स्टिल सेम, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट का कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब डायमेंशन का काम क्या है कि किसी भी चीज को उनके बेस यूनिट में या बेस क्वांटिटी में डिफाइन करना। देखिए, जैसे मेरे पास है लेंथ है, तो डायमेंशन को किस तरीके से लिखना है? जैसे लेंथ है मेरे पास, तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। तो मास कितना टाइम्स है? मास बिल्कुल नहीं है, तो मास को जीरो लिखा। लेंथ कितनी बार है बराबर, तो मतलब लिखा। टाइम कितना है? बिल्कुल नहीं है, तो टाइम जीरो। ये डायमेंशन हो गया इस तरीके से। तो इसमें बेस क्वांटिटी कितनी आ रही है? तो बेस में मास जीरो इसके पास, लेंथ है टाइम जीरो इसके पास, राइट। अब इसी तरीके से अगर ड्राइव क्वांटिटी का एग्जाम्पल होगा, तो जो स्पीड का समझते हैं पहले, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? तो स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट, तो मीटर लेंथ, ठीक है। एम एल टी लिखते हैं इसको पहले, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करना जरूरी है। तो मास हमारा कितनी बार आ रहा है? जीरो टाइम्स। ये एम मास के लिए नहीं, मीटर के लिए है, आप समझ रहे हो ना, स्पीड की बात हो रही है। तो मीटर लेंथ में, तो लेंथ 1 टाइम आ रहा है, और टाइम टाइम कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 1 होता है तो उसको ना लिखकर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर -1 है तो वो लिखना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम तो रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मुझे एक्सेलरेशन का निकालना है, किसका निकालना है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? इसकी यूनिट हमारे पास ये है। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना हो तो उसकी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो मास इसके पास जीरो है, राइट। लेंथ इसके पास 1 है, तो 1 को ना लिखने कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे समझ में आता है 1 टाइम आ रहा है, और टाइम इसके पास आ रहा है -2। तो इस तरीके से उसको लिखते हैं, किसको? एक्सेलरेशन को, ओके। चलिए अब फोर्स का निकालते हैं, ठीक है। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मास किसमें होता है? केजी में, और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इसमें मास कितनी टाइम आ रहा है? हमारा मास आ रहा है 1 टाइम, कोई इशू नहीं है। लेंथ कितना आ रहा है? 1 टाइम, कोई इशू नहीं है। टाइम कितना आ रहा है? -2। तो फोर्स का जो डायमेंशन बनता है वो MLT -2 बनता है, ओके। तो इसी तरीके से हम हर चीज का डायमेंशन बना सकते हैं। आप चाहो तो प्रेशर बना लो, तो प्रेशर का क्या बनेगा हमारे पास? प्रेशर का बनता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन ये रहा MLT -2। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, अरे मीटर स्क्वायर होता है ना, तो लेंथ स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये से ये कैंसिल हो गया, तो प्रेशर क्या बना? ML -1 T -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ओके। अब डेंसिटी का निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी का क्या आएगा? इट इज द मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो मास क्या होता है भैया? केजी में होता है मास, और वॉल्यूम होता है L3।
अरे मीटर की बोता है ना, तो लेंथ, तो अब इसको डायमेंशन कैसे लिखेंगे, मास बनता है हमारा लेंथ कितनी बार आ रहा है -3 बार और टाइम कितना आ रहा है 0, ये डायमेंशन का हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन हो गया, ठीक है ना। आई होप ये बहुत इजी है और आपको क्लियर हो गया होगा। ओके ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डायमेंशन के फायदे क्या है, डायमेंशन किस तरीके से हमारी हेल्प करता है और हम इसका यूज कहां करते हैं। ओके तो देखिए भैया एडवांटेजेस क्या है इसमें, एडवांटेजेस क्या है, तो भैया सबसे पहली बात, इट हेल्प्स अस टू ड्राइव फॉर्मूला। ओके It helps us to derive formula for any given quantity. Okay. दूसरा क्या है? It helps us to check the correctness of the formula. ठीक है? आप सोच रहे हो help कैसे करता है? तीसरा पार्ट क्या है? पहला तो ड्राइव करने में हेल्प करता है, दूसरा करेक्टनेस चेक करने में पड़ता है, तीसरा है इट हेल्प्स अस टू कन्वर्ट यूनिट्स या यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम, अनदर सिस्टम, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी। वही वाली बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी अभी कि क्वांटिटी तो सेम रहेगी, आप उसको एक सिस्टम के यूनिट से दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, मेकिंग श्योर दैट द क्वांटिटी इज सेम, क्वांटिटी सेम है, बदली नहीं गई है, ठीक है। तो ये तीन एडवांटेजेस के हैं, अब मैं बात करूंगा एक एक करके इन पे, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स अस टू ड्राइव द फॉर्मूला। ओके ये कैसे होगा, चलिए यहां पे इसको जानते हैं। अब मैंने आपको बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया है कि ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि टाइम पीरियड जो ड्राइव कर रहा है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप लिखा है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलिए इसको ड्राइव करते हैं, कैसे ड्राइव करेंगे देखिए। सबसे पहली बात, टाइम पीरियड को तो रखा मैंने, तो टाइम पीरियड को कहा है डायमेंशन सेम रहती है। जो अगर मैं कोई फॉर्मूला लिख रहा हूं जैसे s इक्वल्स टू यू डी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो इनके उनको सॉल्व करूंगा, जो इनका डायमेंशन आएगा वो उसी का डायमेंशन होगा,
ठीक है। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? पहले तो हम टाइम पीरियड का वो लिखेंगे, डायमेंशन क्या होता है। सो टाइम पीरियड डायमेंशन क्या होता है वो हमें पता अच्छे से, इसको पहले लिख दो। जब ये आएगा तो एक ये लगेगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इसको मैं इस तरीके से फ्रेम कर लिया, राइट। अब टाइम पीरियड डायमेंशन क्या होता है? मास 0, लेंथ 1, ये लेंथ 0, टाइम 1, ओके। यहां पे कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता हमें पता अच्छे से, तो उसको हमने ऐसे रखा है। अब लेंथ, अब मान लो इसके ऊपर पावर ले लो आप ए, इसके ऊपर पावर ले लो आप बी, ठीक है। मुझे नहीं पता नहीं पावर कितनी है, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब एल की डायमेंशन क्या है? लेंथ की डायमेंशन हमारे पास, तो लेंथ की डायमेंशन हमारे पास एम 0 एल 1 टी 0, ओके, इसकी पावर ए। और एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी की जो डायमेंशन है वो क्या थी हमारे पास? मास 0, लेंथ बताइए कितनी थी? 1 और टाइम -2, ये था। और इसके पावर कर दिया हमने बी, ठीक है। अब इसको ड्राइव कैसे करेंगे? यहाँ पे एम 0 एल 0 टी 1, ओके। अगर पावर्स को मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो 0 इंटू ए, तो एम की पावर 0 रहेगी, एल की पावर 1 इंटू ए, एल की पावर 1 और टाइम 0 रहेगा। यहाँ पे सॉल्व किया एम 0 एल बी टी -2 बी, ओके। फर्दर इसको सॉल्व किया मैंने, तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एल ए एल बी ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने पढ़ा है इंडिसेस में कि जब मल्टीप्लाई होते हैं अब बेस सेम होते हैं, तो उनकी पावर क्या होती है? ऐड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस 2 भी इस तरीके से हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आया? एम 0 एल 0 टी 1, तो हमारे पास आया एम 0 एल ए प्लस बी और टी आ गया हमारे पास -2 भी, ओके। तो यहाँ पे एल ए प्लस बी और यहाँ पे 0, तो हमने इक्वेशन रखा। नाउ वी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एज पहला ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ओके। दूसरा क्या निकालते हैं हम? -2 बी इक्वल्स टू 1, यहां से बी क्या आ गया? -1/2, ओके। जब b की वैल्यू यहां पर फर्दर पुट करी, तो a -1/2 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 1/2 यहां पे हमारे पास आ गया। तो a की वैल्यू 1/2 हो गई और b की वैल्यू -1/2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले में फ्रेम करते हैं यहां पे, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू k l की पावर a है तो 1/2 डॉट b की सॉरी g की पावर जो है वो -1/2 है, ओके। तो क्या बन गया? टाइम पीरियड इक्वल्स टू के रूट एल माइनस है तो नीचे में जाएगा रूट जी, तो उसको फर्दर हमने लिखा, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू के रूट एल बाय जी, ठीक है। तो आप पूछेंगे के की वैल्यू क्या आएगी? तो भैया के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो निकाला गया था वो आई थी 2π√L/g, ठीक है। यही डायमेंशन एनालिसिस का एक डिसएडवांटेज है कि ये कांस्टेंट को पहचान नहीं पाता, कि कांस्टेंट कितना आएगा वो नहीं पहचान पाता, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो फाइनली हमने ड्राइव कर दिया जो एक टाइम पीरियड का इक्वेशन है। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट व्हिच केम हियर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने टाइम पीरियड को ड्राइव कर दिया और इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया, इट हेल्प्स अस टू ड्राइव फॉर्मूला, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, इट हेल्प्स अस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है।
अब ये फॉर्मूला को चेक कैसे करवाता है इसको, इसके पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। यहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, ओनली सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब होमोजीनियस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन है और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहां पे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए v इक्वल्स टू u प्लस at। अब इसके फॉर्मूले को आप चेक करिए कि ये डायमेंशनली किस तरीके से करेक्ट है। तो सबसे पहले v का डायमेंशन निकालना पड़ेगा हमें और इसको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के डायमेंशन इक्वल है या नहीं। तो इसका डायमेंशन क्या है पास, हमने बोला इसका डायमेंशन v का डायमेंशन हमारे पास है m 0 l 1 t माइनस 1। ओके, इक्वल टू u का डायमेंशन क्या है, m l 1 और t का डायमेंशन माइनस 1। ये इसका डायमेंशन है। ओके, बनता हूं कोई इशू नहीं। अब प्लस एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m 0 l t माइनस 2 राइट, और यहां पे डॉट t। अब एक t से ये कैंसिल हो गया तो ये माइनस 1 रह गया। ओके, तो यहां पे बना हमारा, सॉरी ये 0 है आपका m 1 t माइनस 1, यहां पे हमारे पास आ गया m 0 l t माइनस 1 प्लस ये क्या बन गया हमारे पास m 0 l t माइनस 1। ओके, तो हम देख रहे हैं कि सिमिलर क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं और ऐड होने के बाद रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। तो ये क्या प्रूफ हो गया, ये जो फॉर्मूला है, सो दिस प्रूव्स दैट the formula is dimensionally correct। ओके, यहां कोई प्रूफ नहीं है कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, आपसे क्वेश्चन इस पर पूछ ले जाएंगे इस तरीके से। जैसे मान के चलो आप आपको बोल दिया गया हो कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इन द इक्वेशन और इक्वेशन आपके पास है ये s equals to u t, एक काम करिए इसको छोटे दूसरा इक्वेशन लिख लिया, energy equals to 1/2 a v square right। तो हमें a का डायमेंशन निकालना है। अब ए का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ओबीसी बात है मास होता है, बट डायमेंशन इसको कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहली बात एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक तरीके से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। ओके, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन ये हो गया
इक्वल्स टू 1/2 a, तो कांस्टेंट को भी डायमेंशन नहीं होता हमारे पास, तो v स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, तो v का डायमेंशन क्या होता है, lt-1, और इसका स्क्वायर लगा दो आप, तो हमारे पास आ गया n, यहां पे क्या हो गया l की पावर 2 हो गई, t-2, यहां पे क्या आ गया हमारे पास l2t-2 राइट इक्वल्स टू a, तो a का डायमेंशन मिल जाएगा आपको, ये देख लो आप इस तरीके से कैंसिल हो गया, तो एक डायमेंशन खाली क्या है हमारे पास m, ओके तो मतलब ए किस ए क्या है एक्चुअल में, सो इज मास एंड हैज डायमेंशन डायमेंशन ML0T0, ओके आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप बाकी चीजें फाइंड कर लोगे इसमें, ठीक है ना। चलिए तीसरे पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे इट हेल्प्स अस टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी, ओके। अब ये कैसे काम होगा हमारा, इसको देखते हैं। देखिए भैया ऐसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम, ओके सो 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच टाइम। चलिए तो आपने फॉर्मूला सीखा है क्वांटिटी इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2, ओके सो यहाँ पे केस 1 ले लीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप केस 2 ले लीजिए, इस तरीके से फ्रेम कर लीजिए आप। केस 1 में आपके पास मास कितना है 1 kg, और लेंथ कितना है 1 मीटर, ओके टाइम कितना है 1 सेकेंड। दूसरी तरफ केस 2 में आपके पास मास कितना है 1 ग्राम, और लेंथ कितना है 100 सॉरी 1 सेंटीमीटर, और टाइम किस में ले जाता है इसमें 1 सेकेंड में, ओके तो ये है। अब हमें दे रखा है डायमेंशन, अगर इसका डायमेंशन बात करेंगे, डायमेंशन न्यूटन में बात करेंगे, तो डायमेंशन क्या होता है, मास कितना होता है, मास तो 1 ही होता है, और लेंथ भी इसमें 1 है, टाइम इसमें -2 होता है हमारे पास, ठीक है। ये डायमेंशन मैंने पढ़ा है किसका, फोर्स का, यहां पे भी डायमेंशन चेंज होगा हमारा, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हमारा, यूनिट ऑफ सिस्टम चेंज हमारा, डायमेंशन तो सेम ही रहेंगे, तो लेकिन ये किसी और यूनिट पर डायमेंशन है, किसी और यूनिट पर डायमेंशन है। अब इसको निकालना कैसे हमें, क्वांटिटी इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, तो हमें ये दे रखा है ये निकालना है, सो N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2, तो हमने वैल्यूज पुट करी, N1 की वैल्यू ये है ML t-2 अपॉन क्या है हमारे पास, ये ML t-2। अब मास किस में ले जाता है हमें, केजी में 1 kg, और यहां पे क्या है 1 ग्राम, ओके और यहां पे क्या है 1 मीटर, और यहां पे 1 सेंटीमीटर, और यहां पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये इसको इस तरीके से, यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, इसको इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लगे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया फाइनली हमारे पास, ठीक है N2, तो हमने क्या निकाला, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारे पास 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो इतना। और ये क्या हमारा U2 क्या था हमारे पास, तो इसको बोल दिया इतना,
हमारे पास 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 टाइम, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। ओके तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, 10 की पावर 5 टाइम। आई थिंक सिंपल है, इजी है। अब दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ पे, कन्वर्ट कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्थ। ओके तो 1 जूल कितना होगा 10 की पावर 7। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इसको निकालिए आप खुद से। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्थ, ठीक है। सबके साथ इसको निकालिए और कॉपी में इस तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके सो थैंक यू सो मच। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना। आगे मैं क्वेश्चन जो लाऊंगा वो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, और हम लोग लास्ट 10 ईयर के एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तो वहां से थोड़ा आइडिया मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था प्रैक्टिकली।